अर्थव्यवस्था। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी कुमार, जो अध्यक्ष हैं भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ के। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के नज़रिए से अगर हम समझें तो जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में क्या संकेत देते हैं, क्या मायने हैं बेहतर निर्यात, अधिक निर्यात और कम आयात की? जो आंकड़े आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया हैं। हम ये समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी आप देखिए, जो हमारा निर्यात कुल जो है 7.78 बिलियन डॉलर है, जिसमें सामान का निर्यात जो है 23 और 24 में US डॉलर 437 बिलियन, और सर्विसेज का निर्यात जो है 23-24 में US डॉलर 3.41 बिलियन हुआ है। जो आपने देखा है कि मर्चेंडाइज विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद निर्यात अप्रैल 2024 में 3% बढ़ गई, जबकि निर्यात मई 2024 में बढ़कर 9.1% हो गई। ये भारत के लिए बहुत ही प्रशंसित का विषय है, जबकि संसार में जियोपॉलिटिक्स अनिश्चितता जैसे रेड सैगर संकट है और उभरता हुआ है, और मुद्रास्फीति, ऊंचे ब्याज दर सारे संसार में हुआ है। लेकिन अश्विनी जी, यहाँ पे ये भी हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वही देश निर्यात के मोर्चे पर तरक्की कर पा रहे हैं जो बदलते वक्त के साथ अपनी व्यापार नीति में भी बदलाव करते हैं। भारत ने ऐसे कौन से बदलाव किए हैं, चाहे हम FTAs को लेकर देखें, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने को देखें, लॉजिस्टिक्स नीति की बात करें इत्यादि, ऐसे कौन से बड़े कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं कि निर्यात के ये आंकड़े, सकारात्मक संकेत देते हुए आंकड़े हमारे सामने हैं? देखिए, भारत की जो एक्सपोर्ट नीति रही है वो इस वक्त विश्व में सबसे बढ़िया है, जो कि हमें हर तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और हर विदेशों में हर जगह हमारे भारत की जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी बहुत सराहना होती है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सरकार की अच्छी नीतियां और हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। अभी आप देखिए, ये जो श्रेय निर्यात अच्छा कर रहे हैं, मई 2024 को जैसे आपने बताया के दौरान, वह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि भारत की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, प्लास्टिक का सामान है, पेट्रोलियम है, दवाइयां है, 10.5% तो दवाइयों की बढ़त हुई है। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत बहुत आगे से बढ़ रहा है, और आप देखेंगे आने वाले सालों में सबसे बड़ा जो बढ़त होगी वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में होगी, प्लास्टिक के सामान में होगी, दवाइयों में बहुत ज़्यादा होगी। अप्रैल कपड़ा उद्योग 9.3% के साथ ऊपर जा रहा है। अभी अप्रैल में बहुत बड़ा कंपटीशन भी है, पर फिर भी हमारी एक्सपोर्ट नीति के चलते हुए बहुत ही ये प्रोत्साहित एक्सपोर्टर हो रहे हैं। अश्विनी जी, ऐसे में जो द्विपक्षीय संधियां की जाती हैं, अभी हम जानते हैं G7 चल रहा है, द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं जिसमें हमेशा नजर रहती है कि कौन से समझौते किन क्षेत्रों के हो सकते हैं, तो ऐसे में जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं और खासतौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs जो होते हैं, कहाँ तक ये भी सहायक हैं इस दिशा में कि हम अपने निर्यात को मजबूती दे पाएं? अभी EU के साथ भी FTA पर बातचीत चल रही है, कुछ देशों के साथ हमारी हो भी चुकी है, कहाँ तक ये भी प्रोत्साहन देते हैं निर्यात को? बहुत बढ़िया, ये एक ऐसी नीति बन रही है जो FTAs हमारे भारत और विदेशों के साथ हो रहे हैं, उससे भारत के हर चीज को प्रोत्साहन मिल रहा है। और आप देखेंगे, अगर हमारी अर्थव्यवस्था 9% के हिसाब से आगे चल रही है और FTA के लागू होने से, EU के लागू होने से, ये मैं गारंटी कर देता हूँ ये करीबन 20% टच करेगी। अश्विनी जी, ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि तमाम विश्व में वैश्विक आर्थिक चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन कुल देशों में से 115 देश ऐसे हैं जिनसे भारत का निर्यात बढ़ रहा है, 17 उत्पाद ऐसे हैं जिसमें हम निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ये बेहतर संकेत है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? क्योंकि मूडीज की भी जो रेटिंग्स आती हैं वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक आउटलुक देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी नीतियां ही हमें आगे बढ़ा रही हैं। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा पीछे हैं तो लेबर इंटेंसिव यूनिट से हम थोड़ा पीछे हैं, लेदर में थोड़ा पीछे हैं, और ये आगे जो पॉलिसीज मैटर सही होंगे उससे FTA विल बी द मैजिक प्लेइंग फॉर इंडिया। आपने जो लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं उनकी बात की है, किन, क्योंकि हम जानते हैं कि लेबर कोड सरकार लेकर आई थी, ऐसे में क्या अपेक्षाएं निर्यात क्षेत्र को भी सरकार से हैं, जिससे जो कुछ बाधाएं हैं, हालांकि सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो बाधाएं हैं उन्हें भी दूर किया जा सके और इस क्षेत्र को और रफ्तार मिल सके। लेबर कोड का भी अभी सजेशन सरकार ने मांगे हैं जी, और सभी एक्सपोर्टर सजेशन को दे रहे हैं। जब भी कभी सरकार की मीटिंग होगी और उसमें मुझे विश्वास है तो उसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा और सरकार जो है उसको एक्सपोर्टरों की सुनती है और सुनती आई है और उसी के हिसाब से जो भी चेंजेस करनी होगी वो एक्सपोर्टर करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए करेंगे। अभी जैसे ज़्यादातर जो पीछे है, लेदर इंडस्ट्री में काफ़ी डाटा मांगा है और बहुत जल्द हम देने वाले भी हैं, और मैं समझता हूँ अगर ये थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए तो हमारे को काम करने में बहुत सुविधा रहेगी। जी अश्विनी जी, तो जाहिर है कि सरकार की ओर से जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, जो पॉलिसीज लाई गई हैं, उसका एक असर आज निर्यात क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से निर्यात के बेहतर आंकड़े आज हमारे सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि यही स्थिति बरकरार रहे ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तेज रफ्तार, जिसकी उम्मीद पूरा विश्व करता है और जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है वो लगातार आगे निरंतरता बनी रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज नाइट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MBH कश्मीरी।